Hi guys, wish you a very very good morning. This is me, Ayesha Joshi, and you are watching me on the channel of At UIS. So here it is 13th of October 2020 और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस. सो फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहली बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ वो ये है कि नो इशू, आपका प्रीलिम्स कैसा गया, अच्छा गया, बुरा गया, आई डोंट नो, बट द मेन इशू इज़ दिस कि अब आपको आगे कैसे जाना है. जिन लोगों का प्रीलिम्स अच्छा गया है उन्हें भी प्रीलिम्स के लिए अगेन प्रिपेयर करना है और मेंस के लिए भी प्रिपेयर करना है साथ ही साथ. और उन जिन लोगों का मेंस प्रीलिम्स जो है अच्छा नहीं गया है और मेंस की कोई संभावना नहीं है, तो उस कंडीशन में भी आपको 2021 के लिए प्रिपेयर करना है. तो अल्टीमेटली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर prelims as well as for current affairs. For that you should know that you have to go for current affairs as well as editorials, because कहीं ना कहीं editorials आपकी help करते हैं answers को write out करने में, चाहे वो mains के हैं चाहे वो prelims के हैं. और वहीं पर news analysis तो specially जो आपकी help करता है, day to day news जो है वो तो definitely आपके prelims को cover करती है. ठीक है, so आप कभी भी द हिंदू को पढ़ना skip नहीं कीजिए. आप उसका analysis देखिए जिससे कि आपको easy हो जाए समझने में एक एक टॉपिक को, और फिर अल्टीमेटली आप जाइए उनके डिस्क्रिप्शन की तरफ, एडिटोरियल्स की तरफ, एडिटोरियल्स को पढ़िए, उनसे रीड आउट कीजिए, उनसे जो भी पॉइंट्स बनते हैं उनके नोट्स बनाइए. और उसके बाद में जो चीज़ें, जो नोट्स आप बनाएंगे वो कहीं ना कहीं आपके मेंस को आंसर राइट करने में हेल्प करेंगे. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हिंदू न्यूज़ पेपर एंड यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. ओके, so let's take the first news of today. It is government moves to spur demand. Central government PSU staff to get LTC cash vouchers to buy consumer goods, hoping to spur fresh demand of about rupees 1 lakh crores in the second half of the year. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman on Monday unveiled a mini stimulus of sorts comprising incentives for the government and public sector employees to spend more on consumer durables and services, and interest free loan for 12,000 crores of the states for a 50-year tenure to finance capital expenditure. देखिए जिस तरीके से inflation की condition बढ़ रही है, inflation बढ़ रहा है ना, तो अल्टीमेटली जो हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन की स्थिति अभी देश में जिस तरीके से बनी हुई है, सारे ही डिपार्टमेंट, सारे ही कंसर्न, जो जैसे फैक्ट्री आउटपुट की बात की है यहाँ पे, या अदर GST को ले लीजिए, अब कई सारे सेक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट होते हैं इन सारी चीज़ों से. सेंट्रल गवर्नमेंट या PSU के जो स्टाफ हैं उन सभी को LTC कैश वाउचर्स जो है टू बाय कंज्यूमर गुड्स परचेज करने के लिए LTC कैश वाउचर्स प्रोवाइड करवाए गए हैं ना. तो अल्टीमेटली इट इज़ ऑल अबाउट इंडियाज कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन रेट विच इज़ सर्ज्ड बाय द 7% ऑफ मार्क एंड हिटिंग 7.3% ऑफ और इन सेप्टेम्बर विथ गुड्स प्राइस फूड प्राइस स्पाइक्स एंड रीचिंग 10.7% कम्पेयर्ड विथ 9.05% इन ऑगस्ट. मीनवाइल इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल फॉर द सिक्स्थ मंथ. अगेन दिस इज द सिक्स्थ मंथ दैट इन द रो वेयर इन ऑगस्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट गॉट्स फेल एंड द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दैट इज IIP श्रैंक 8% इन ऑगस्ट on a year-on-year basis. Okay, so quick official estimates suggested marking a marginal improvement or improved performance compared with July when output contracted 10.8%. So it is all about it, and no consensus on the state's GST compensation is there. So ultimately we can say that somewhere inflation is crossing the services or the limited percentage of every sector, whereas the government moves to spur demands. Okay, ultimately we can say when accordingly government is trying to make the demand or to create the demand, the situation of inflation can be controlled and it will be seen after a great rise of demand, I can say. Okay, so it is all about it. Let's go for the next news. 34 producers move HC High Court to restrain TV channels. 4 sign industry bodies part of plea suit filed against use of derogatory expressions. Derogatory expressions को use करने के against जो है 4 sign products industry bodies जो है उन्होंने suit file किया है. ठीक है,
4 बॉलीवुड इंडस्ट्री एसोसिएशंस एंड 34 लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैव मूव्ड द दिल्ली हाई कोर्ट सीकिंग द रिस्ट्रेन रिपब्लिक टीवी न्यूज टाइम्स नाउ एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्रॉम पब्लिशिंग इररिस्पॉन्सिबल एंड डिफेमेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट बॉलीवुड एज अ होल. बॉलीवुड के अगेंस्ट जो है, अभी आपको पता है कि बॉलीवुड काफ़ी चर्चा में रहा है, लेकिन अल्टीमेटली मैं ये कह सकती हूँ जितना मैंने इवेल्यूएट किया है, कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें बॉलीवुड की नीड नहीं है. हमने अपने जीवन में इस लॉकडाउन पीरियड में, कोरोना पीरियड के अंदर, बहुत सारी चीज़ें सीखी है. जो प्रोडक्टिविटी है हमारे अंदर और हमारी रूटीन लाइफ में जो प्रोडक्टिविटी है, उसे हम किस तरीके से बॉलीवुड या हम कह सकते हैं टीवी सीरियल्स या अदर चीज़ों में वेस्ट कर देती है. इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो न्यूजेंस में अपना सारा टाइम वेस्ट कर देती है, जबकि वही चीज़ें, वही टाइम अगर यूज़ लिया जाए तो उसे प्रॉपर वे में, कुछ प्रोडक्टिव वे में उसका आउटपुट ज़रूर निकल सकता है. सो वी शुड गो फॉर इट. एंड अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स आई कैन से काफ़ी इशूज़ अभी इन दिनों रहे हैं बॉलीवुड के खिलाफ. काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स ने, जैसे कि रिपब्लिक हम कह सकते हैं, अभी रिसेंट हमने देखा, अभी मैंने आपको बताया, रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ एंड अदर सोशल मीडिया, काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म थे जिन्होंने बॉलीवुड और टीवी स्टार्स या प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, इनके अगेंस्ट काफ़ी नेगेटिव स्टेटमेंट्स दिए. काफ़ी सारी चीज़ें इस लॉकडाउन के दौरान और इस पूरे सुशांत सिंह के केस के दौरान और कही गई. और अल्टीमेटली अब जो है प्रोड्यूसर्स ने हाई कोर्ट में सूट कर दिया है उन सारे चैनल्स को, ठीक है. और बेसिकली ये जो चैनल्स हैं ये हाईली डेरोगेटरी एक्सप्रेशंस यूज़ कर रहे हैं. अब व्हाट आर दीज डेरोगेटरी एक्सप्रेशंस, सच एज डर्ट, फिल्थ, स्कम एंड ड्रगीज, ऑल दीज आर बीइंग. अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक्चुअली इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं और वो ये इन सब चीज़ों का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है बॉलीवुड और अदर चीज़ें. लेकिन क्योंकि उन्हें एक्सपोज किया जा रहा है और अब क्योंकि सिनेमा जो है, या फिर हम कह सकते हैं बॉलीवुड जो है ओपन हो चुका है, अपने सिनेमा थिएटर्स जो है ओपन हो चुके हैं, उस कंडीशन में जहाँ थिएटर्स या मूवीज़ को बहुत ज़्यादा पंपअप नहीं किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में उनकी ज़्यादा पब्लिसिटी ना होने पर या उनके आउटपुट ज़्यादा ना होने पर जो है फिल्म स्टार्स और प्रोड्यूसर्स के अंदर काफ़ी आक्रोश दिखाई दे रहा है. और वो सारा आक्रोश जो है उसका एक जो इल्ज़ाम है या उसका जो हम कह सकते हैं ब्लेम है, वो बेसिकली न्यूज़ चैनल्स और मीडिया पर जा रहा है. बट इट इज़ अ फैक्ट दैट अल्टीमेटली वी आर wasting our time to do all these activities like watching movies and going through all these televisions and all. So ultimately producers and druggies, the tags of druggies and other things are actually good, and I mean these are fact. Druggies, dirt, filth and scum, all these things are available in Bollywood. So somewhere we need to be aware, we need to know the goods and bads, and we need to know the difference between all these things. Okay, so what is the industry veterans, the producers who moved the high court are Dharma Production, Aamir Khan Production, Ad Labs Films, Ajay Devgan Films, whereas Yash Raj Films, Salman Khan Films, Ashutosh Gavrikar Production and Red Chilli Enterprises, Rakesh Om Prakash Mehra Pictures, Reliance Big Entertainment, Rohit Shetty Pictures, whereas Vinod Chopra Films and Kabir Khan Films. All these producers go through the High Court and they reached the Delhi High Court. They moved there and they demanded for the ban, or I can say the strict actions against all these media movies, or I can say Republic TVs or Times Now and other social media platforms. Okay, the producers and 4 Bollywood industry associations are the film and the television producers guild of India, that is PGI, CINTA, that is CINTEA, and Indian Film and TV Producers Council, that is IFTPC, and Screenwriters Association, that is SWA, have sought directions to the news channels to abide by the provisions of the program code under the cable television networks rules. So it is all about it. And let's see kya jo hai faisla diya jata hai high court ke dwara aur kis tarike se khud ko pretend ya khud ko क्लैरिफाई करते हैं न्यूज़ चैनल्स, और किस तरीके से ये प्रूव कर पाते हैं कि अल्टीमेटली व्हाट दे सेड और व्हाट दे वर्क ऑन वाज नॉट रॉन्ग. ओके,
द नेक्स्ट इज़ इंडिया चाइना डिस्कस बॉर्डर डिसंगेजमेंट. इंडिया एंड चाइना की 7th राउंड की मीटिंग हुई है, कमांडर लेवल की टॉक्स हुई है चुशुल के अंदर ऑन द इंडियन साइड ऑफ मंडे. मंडे को हुई है भारत की तरफ से चुशुल के अंदर, और ये बिल्कुल मिलिट्री लेवल की टॉक्स है टू वर्क आउट अ शेड्यूल, जिससे कि एक शेड्यूल जो है फ्रेम किया जा सके डी एस्केलेशन और डिसंगेजमेंट का, जहाँ पे हम कह सकते हैं ईस्टर्न लद्दाख के साइड का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे काफ़ी दिनों से हमें एंगेजमेंट नज़र आ रहा है और काफ़ी एक्टिविटीज़ भी नज़र आ रही है, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए डिसंगेजमेंट की प्रक्रिया को लेकर के शेड्यूल डिस्कस किया गया है. The talks were still on at the time of going to print. These are the first senior military level talks following Beijing's comments that it has not recognized the Union territories of Ladakh. After the 6th round of talks of September 21, both sides for the first time issued a joint statement. Joint statement issue kiya hai dono ki taraf se, in which they agreed to stop sending more troops on the front line. Front line ki taraf aur zyada troops send out karne ka jo hai agreement sign kiya hai dono ne ki hum aage aur zyada troops ko send nahi karenge, engage nahi karenge, engagement even engagement ko jo hai reduce karne ka work karenge. It means disengagement ko promote karenge. Theek hai. So it is all about it. However, on September 29, the Chinese Foreign Ministry said did not recognize the UAT of Ladakh and that the line of actual control, that is LAC, was clear and that it is the LAC of November 7, 1959. The Ministry of External Affairs responded sharply to this, saying India has never accepted the so-called unilateral define. इंडिया ने कभी भी कोई जो है यूनिलेटरल डिफाइन 1959 एलएसी से रिलेटेड जो है उसे किसी भी लेवल पे ना साइन किया था ना एक्सेप्ट किया था, और वहीं पे चाइना का कहना है कि इंडिया ने उस साइन को उस यूनिलेटरल एक्सरसाइज जो है उस यूनिलेटरल जो उनकी मीटिंग है या उससे रिलेटेड जो डिफाइंड है उसे क्लियर किया था एक्सेप्ट किया था. ठीक है. सो इट इज़ ऑल अबाउट इट, बट समवेयर वी कैन से दैट इंडिया चाइना हैज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट डिसएंगेजमेंट, वेयर एज सम इशूज़ वर ऑल्सो रेज्ड रिगार्डिंग द एंगेजमेंट ऑफ और द 1959 LAC यूनिलेटरल इशू. ओके. So it is all about it. Let's see what is going to be the next. And Monday's talk were the last round of talks headed by the Lieutenant General Harinder Singh as the 14 corps commanders before he moves out on another posting. Okay. The next news is based on the purpose of protest. Protest cannot be time bound. They will be indefinite injustice. ओके. सो बेसिकली शाहीन बाग से रिलेटेड जो इशू है उसी को यहाँ डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें ये डिस्कस करने की कोशिश की जा रही है. अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था शाहीन बाग में, जिस तरीके से एक लंबे समय से CAA के अगेंस्ट मुस्लिम जो है मुस्लिम कम्युनिटी का काफ़ी लंबा प्रोटेस्ट चल रहा है, और जिसके कारण रोड ब्लॉक्स होना और ये सारी चीज़ें काफ़ी इश्यूज़ वहाँ देखने को मिल रहे हैं. जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि अब प्रोटेस्ट करना आपका बिल्कुल अधिकार है, आपका फंडामेंटल राइट है, आपका डेफिनेटली अधिकार है प्रोटेस्ट करना, लेकिन और अपनी बात को रखना, बट अल्टीमेटली इट इज़ ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द डिग्निटी और टू क्रिएट नॉट क्रिएट एनी टाइप ऑफ न्यूजेंस ऑन पब्लिक प्लेसेस और टू स्टॉप और टू ब्लॉक द रोड्स एंड समथिंग लाइक दैट. ओके. Somewhere you need to know that you have to restore the attempt of equality, whereas you can't go through the situation. देखिए equality is good. आपने जिसके अगेंस्ट CAA के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है इट इज़ ओके. आई मीन दिस इज़ समवेयर लॉजिक रीज़न, बट समवेयर इट इज़ ऑल्सो फैक्ट दैट जो लॉजिक्स आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो इश्यूज़ आप अप्लाई करना चाह रहे हैं यहाँ पे वो इश्यूज़ नहीं इम्प्लीमेंट होते हैं. यहाँ पे फैक्ट ये चलता है या फैक्ट ये चल रहा है कि आप जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट किसी भी लेवल पे किसी को कोई पॉजिटिव जो है रिव्यू या पॉजिटिव हम कह सकते हैं फीडबैक नहीं प्रोवाइड करवा रहा. उसका रीज़न क्या है कि आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या आप जो इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं वो लोगों को परेशान कर रहा है. रोड ब्लॉक्स करना अपने आप में प्रोटेस्ट के को इस लेवल पर इतने लंबे समय के लिए ले जाना कि लोगों को परेशानी हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है. ठीक है. अब प्रोटेस्ट का पर्पज़ क्या है, लोगों को परेशान करना या अपनी बात को रखना, तो यही चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है. इट इज़ ऑल डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर
आर्टिकल वेयर एन अटेम्प्ट टू रीस्टोर इक्वालिटी हैज़ बीन डिस्कस्ड एंड पुलिस का जो एक्शन है उसको यहाँ पर डिस्कस किया गया और वहीं पर बैलेंसिंग टू राइट्स दोनों अधिकारों को मतलब जो जो डिमांड रखी जा रही है वो भी अपना अधिकार है वो भी बिल्कुल सही एक हम कह सकते हैं एक्शन है और वहीं पर जो उनके अगेंस्ट जो बातें रखी जा रही है या जिस कारण जो है लोगों को परेशानी हो रही है रोड ब्लॉक्स करने से या प्रोटेस्ट करने से जो एरिया ब्लॉक हो रहा है या इतने लंबे समय के प्रोटेस्ट से लोगों को जो परेशानी हो रही है वो सारी चीज़ें जो है किस तरीके से लोगों को इफ़ेक्ट कर रही है उनके अधिकारों को उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो अल्टीमेटली द पर्पज़ ऑफ प्रोटेस्ट क्या है ये आपको समझना ज़रूरी है और उससे लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये आपको समझना ज़रूरी है। तो यही चीज़ इस आर्टिकल में डिस्कस की गई है और आपके मेन आंसर राइटिंग के अंदर बहुत बड़ा टॉपिक बनता है CAA उससे उसका इम्प्लीमेंटेशन उससे रिलेटेड इफेक्ट्स उससे रिलेटेड डीमेरिट्स मेरिट्स और शाहीन बाग में ये जो सब चीज़ें हो रही है प्रोटेस्ट जो हो रहा है उसके अगेंस्ट उससे रिलेटेड डिस्कशंस। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं क्योंकि इस साल के मेंस के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ इक्वल स्टेक्स अकोमोडेटिव पॉलिटिक्स इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ एक्सपीडियंसी बट इट होल्ड्स इंटरेस्टिंग वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली 25 ईयर्स ऑल मेम्बर्स ऑफ यूनियन कैबिनेट आर फ्रॉम अ सिंगल पार्टी बीजेपी के हैं। 25 सालों में ऐसा हुआ है कि सभी मेम्बर्स यूनियन कैबिनेट के जो हैं वो एक ही पार्टी के दैट इज सिंगल पार्टी दैट इज़ बीजेपी। द डेथ ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी लीडर के जो लीडर हैं पार्टी के जो लीडर हैं राम विलास पासवान उनकी डेथ के 3 वीक्स बाद में शिरोमणि अकाली दल जो है उनके हरसिमरत कौर बादल ने रिज़ाइन कर दिया कैबिनेट से इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट लेजिस्लेशन के खिलाफ जो है एंटी फार्मर बिल्स को देखते हुए उन्होंने वहां से प्रोटेस्ट कर लिया है। सडनली क्रिएटेड द सिचुएशन बट इट हैज़ बीन इन द मेकिंग ऑफ हर फॉर अ वाइल। इन 2019 द शिवसेनाज अरविंद सावंत रिजाइन फ्रॉम द कैबिनेट शिवसेना के अरविंद सावंत ने कैबिनेट से रिज़ाइन किया था और उनकी पार्टी टूट गई थी बीजेपी से उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। तो ये कोई नई बात नहीं है अपने आप में जो है पॉलिटिकल इश्यूज के चलते रिज़ाइन करना। द बीजेपी वॉन मोर देन हाफ द सीट्स ऑफ द लोकसभा की आधी से ज़्यादा सीट्स जो है बीजेपी ने जीत ली और फर्स्ट टाइम सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नज़र आई है 1984 से लगा के अब तक की बात की जाए 2019 की पहली बार सिंगल पार्टी मेजॉरिटी देखने को मिली है। द पार्टी इंक्रीज्ड इट्स टैली एंड इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर पार्टी गवर्नमेंट। देखिए एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये शिरोमणि अकाली दल जो है वो एक पार्ट था पार्टी का वो टूट गया शिवसेना टूट गया उसके बावजूद भी पार्टी की मेजॉरिटी देखिए आप बीजेपी की हमेशा पार्टीज वो जीतती है जो अलायंस करके और कोएलिशन के बेसिस पे या तो जीत रही है या अलायंसेस के बेसिस पे जीत रही है बट अल्टीमेटली एक बीजेपी से पिछले कुछ टाइम के अंदर जो जनसेना या शिवसेना या अदर पार्टी जो अकाली दल वगैरह जो जुड़े हुए पार्टीज थी वो भी टूट गई लेकिन उसके बाद में भी जो मेजॉरिटी देखने को मिली है वो बीजेपी की ही देखने को मिली है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं एक लंबे समय के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि अब एक किसी पार्टी ने इस तरीके से लीड किया है कि उसे किसी हम कह सकते हैं कि सपोर्टिव पार्टी की या कोई किसी अलायंस की नीड नहीं है वो अपने लेवल पे अपने आप को स्टैब्लिश कर सकती है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में डिस्कस की गई है पासवान जी की डेथ से लगा करके मिस बादल के रिज़ाइन से लगा करके बहुत सारे सोशल ग्रुप्स जो है उनके डिफरेंशिएशन या उनके अपोजिशन को लगा से लेकर के और काफ़ी जो कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिले हमें अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई और उसके बाद में भी पार्टी की जो मेजॉरिटी है वो अपने आप में देखने में बनती है। तो सिंगल पार्टी डोमिनेंस को यहाँ डिस्कस किया गया है इक्वल स्टेक्स के बेसिस पर अकोमोडेटिव पॉलिटिक्स को यहाँ डिस्कस किया गया है और काफ़ी हद तक पॉजिटिव हम कह सकते हैं जो सिचुएशन है एक पार्टी की तरफ नज़र आ रही है तो उसी को यहाँ डिस्कस किया गया है और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या ये जो सिचुएशन है अभी एज ऑफ नाउ पार्टी की और पार्लियामेंट की ये सही है या इसका क्या इम्पैक्ट होता है आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की गई हैं। ठीक है, सो यू शुड गो फॉर इट दिस इज़ ऑल अबाउट NDA UPA एंड समवेयर वी कैन सी इट इज़ ऑल अबाउट कांग्रेस एंड बीजेपी। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट फिएट ऑफ क्ले दिस फ्रेंच ओपन स्टक टू द स्क्रिप्ट डिस्पाइट द चेंज सर्कमस्टेंसेस
काफ़ी सर्कमस्टेंसेस चेंज होने के बाद बावजूद भी उसी स्क्रिप्ट पर जो है टिकी हुई है फ्रेंच ओपन, उसी को है डिस्कस किया गया है। 2020 फ्रेंच ओपन वॉज अनलाइक एनी प्रीवियस एडिशन ऑफ द मेजर। The COVID-19 pandemic ensured that players who are usually accustomed to embracing the summer warmth of Paris had to endure the autumnal cold and rain. The new retractable roof over court Philippe Chartres play under lights and reportedly slow and heavy Wilson balls made clay court tennis drastically different. What was changed were, however, the Rafael Nadal holding aloft the Coupe des Mousquetaires for a record extending 13th time in 15 years. 15 years के अंदर 13th time के अंदर किस तरीके से राफेल नडाल होल्ड करते हैं सिचुएशन को, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की। देखिए बेसिकली इस पूरे आर्टिकल को क्या डिस्कस किया गया है, फ्रेंच ओपन से रिलेटेड जो स्क्रिप्ट है कंसेप्ट हैं उनको एज इट इज़ रखा गया है, उसी तरीके से स्क्रिप्ट पर जो है टिके रहने की बात यहाँ की गई है, और इस तरीके का फीट ऑर्गेनाइज किया गया है जो अल्टीमेटली इट इज़ समथिंग लाइक अ क्ले राइट मोल्डेबल दैट इज ईजीली मोल्डेबल। तो समवेयर इस पूरे आर्टिकल के अंदर यू कैन सी दैट वॉट इज बेसिकली अबाउट नोवाक जोकोविच, और आई कैन सी इट इज़ ऑल अबाउट राफेल नडाल एंड वट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट रोजर फेडरर। सो समवेयर एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड हेयर, एवरीथिंग इज़ हेयर इफ यू विल गो थ्रू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। द फ्रेंच ओपन जो है उनके ओपन क्राउड को लेकर के, स्ट्रेंथ को लेकर के, और स्टेट फर्स्ट टाइम मेंस ग्रैंड स्लैम चैम्पियनशिप को लेकर के अगर बात करें, वेमेन जो है वेमेन ग्रैंड स्लैम चैम्पियनशिप रिवॉर्डिंग स्टाइल और बाकी सारी चीज़ों को अगर डिस्कस किया जाए तो उन्हीं को यहाँ पे इस आर्टिकल में कैरी किया गया है। तो इस COVID-19 के चलते उस पर क्या 2020 फ्रेंच ओपन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या उस फ्रेंच ओपन 2020 का COVID-19 पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस की गई है। ठीक है, द नेक्स्ट इज जीन एडिटिंग द गुड फर्स्ट एंड देन वरीज। पहला स्टेप तो बहुत अच्छा है लेकिन बाद में उसके बारे में चिंताजनक विषय जो है वो जीन एडिटिंग है। विद द केमिस्ट्री नोबल थ्रस्टिंग क्रिस्पर्स सेज 9 इनटू द लाइमलाइट, इंडिया नीड्स गाइडलाइंस फॉर द जीन एडिटिंग रिसर्च। जीन एडिटिंग को लेकर नोबल प्राइज जो दिया गया है केमिस्ट्री के फील्ड में रिसेंटली अनाउंस किया गया था 7 अक्टूबर को, जिसमें 2 महिलाओं को ये दिया गया है। इट इज़ द फर्स्ट इन द साइंस, पहली बार साइंस में ऐसा हुआ है जब 2 महिलाओं ने मिलकर के किसी बहुत बड़े आविष्कार के बारे में पता लगाया, बहुत बड़ा वर्क किया है, दैट इज़ अबाउट जीन एडिटिंग एट दी वर्किंग एट दी मैक्स प्लैंक यूनिट फॉर द साइंटिस्ट साइंस ऑफ पैथोजीन्स इन बर्लिन जर्मनी एंड जेनिफर दौदा इन ओके पैथोजेंस के क्षेत्र में, एंड यूएस ने ऑनर को शेयर किया है, कैलिफोर्निया बर्कली यूएस ने इस ऑनर को शेयर किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड ऑफ जीनोम एडिटिंग। जीन एडिटिंग से रिलेटेड डिस्कशंस जो है उसको लेकर के यहाँ डिस्कस किया गया है। जीन एडिटिंग किस तरीके से यूज़फुल है, भारत में किसकी क्या सिचुएशन है, इंडिया के अंदर क्या सिचुएशन है, वर्ल्ड के अंदर शॉकिंग सिचुएशंस को यहाँ पर, एंड डिस्कवरी लाइक ओमिशंस हैव बीन डिस्कस। द टू साइंटिस्ट हैव पायनियर्ड द यूज ऑफ क्रिस्पर एंड सिस्टम एज अ जीन एडिटिंग टूल। सो इट इज़ इन शॉर्ट पीरियड ऑफ 8 years वेयर इट इज़ सिंस इट इज़ डिस्कवर्ड एंड द नीड ऑफ इंडिया गाइडलाइंस आर आई कैन से इंडिया नीड्स गाइडलाइंस फॉर जीन एडिटिंग रिसर्च एज वेल एज द लाइमलाइट हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल एंड द केमिस्ट्री chemistry's thirst regarding CRISPR-Cas9 is discussed here. When the global level जो scientist हैं global level पे या फिर world level पे जो है आश्चर्यचकित कर दिया है इस पूरे database ने, तो ये सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस की गई है। और इसका DNA जीन एडिटिंग जो है अपने आप में क्या इम्पैक्ट करता है किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी या पर्सन पे, वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई है। ठीक है, गाइडलाइंस पॉलिसी रूल्स उन सब के बेसिस पे इंडिया में किस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे, और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को नोटिस करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें यहाँ इस आर्टिकल में आपको पढ़ने को मिलेगी। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, जीन एडिटिंग से रिलेटेड आपको पढ़ना चाहिए, यू विल नो एवरीथिंग अबाउट इट। ओके, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, बट वॉट विल बी द नेक्स्ट, एंड इट विल डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ वरी।
Now, this is the few lines, or I can say this is the article, or I can say it, this is the particular motivation for today. Passion is energy. Feel the power that comes from focusing on what excites you. पैशन एक एनर्जी है जो एनर्जी आपके अंदर पावर जनरेट करती है और उस पावर को फील करने का काम आपका है. यू शुड फील द पावर जो आपके अंदर से आ रही है. और वो पावर कब आएगी? जब आप किसी चीज़ को फोकस करेंगे, और फोकस करने से जो पावर आएगी वो आपको एक्साइट करेगी आगे और भी कुछ करने के लिए. सो डोंट गो जस्ट यू नो डोंट गो अवे ऑफ दिस पैशन. जस्ट ड्रीम फॉर दिस पैशन, जस्ट थिंक ऑफ दिस पैशन एंड जस्ट डू फॉर दिस पैशन. Because this passion will definitely excite you. Okay, so feel this energy and enjoy your studies. Thanks for watching. Bye bye. Take care. And if you like the videos, just do like, share and subscribe. And इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे changes हैं जो आपके साथ discuss किए जाएंगे. बहुत सारे complications हैं जिनको दूर करते हुए आपके सामने एक बहुत interesting part हम लोग लेकर आ रहे हैं. जल्दी ही introduce करेंगे क्या है ये, मैं reveal नहीं करूँगी, थोड़ा सा surprise है, but definitely we will go through it. So bye bye, take care, have a great time ahead. कोई query है, कोई doubt है, कोई issue है, you can easily ask me in comment section. Bye bye.